नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम कुछ अलग हटकर करने वाले हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। आप पहले वो वीडियोस देख चुके होंगे जिनमें हम सब्जेक्टिव चीज़ों को समझ रहे थे, तो आज हम ऑब्जेक्टिव समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे आपके जो प्रश्न हल करने का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और आसानी से आप सही और गलत उत्तर की पहचान है वो कर पाओगे। तो आज इस क्लास में हम समाजशास्त्र के शुरुआती जो टॉपिक्स हैं, समाजशास्त्र का अर्थ, उद्भव, समाजशास्त्र की विषय वस्तु, परिप्रेक्ष्य, इन सब पर कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो हल करेंगे। तो एक एक करके हम इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न कि विश्व में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्यापन है वो कहाँ प्रारंभ हुआ, विषय के रूप में अध्यापन कहाँ प्रारंभ हुआ था? 1876 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1876 में अमेरिका के अंदर पहली बार एक विषय के रूप में येल विश्वविद्यालय में, किस विश्वविद्यालय में? येल विश्वविद्यालय में इसका अध्यापन शुरू किया गया था। अगर हम इसकी बात करें कि समाजशास्त्र का जन्म किस महाद्वीप में हुआ था, तो कौन सा महाद्वीप होगा? यूरोप महाद्वीप होगा, फ्रांस देश होगा, क्योंकि ऑगस्ट काम्टे फ्रांस के रहने वाले थे। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया था, यानी जो समाजशास्त्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था काम्टे द्वारा, वो किस पुस्तक में किया गया था? पॉजिटिव फिलोसफी में। ये पुस्तक थी जो 1830 से लेकर 1842 तक कुल 6 खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो 1838 में इस पुस्तक में, पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक में, समाजशास्त्र शब्दावली का प्रयोग था वो किया गया था। भारत में समाजशास्त्र का उद्भव करने का श्रेय, शुरुआत करने की जो श्रेय है वो किसको जाता है? पैट्रिक गिड्स को जाता है। पहली बार 1914 में पैट्रिक गिड्स ने बम्बे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन था वो प्रारंभ करवाया। अब कई बार क्या होता है कि डाउट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कि जीएस घुरिए को भी भारतीय समाजशास्त्र का जनक के तौर पर हम जानते हैं और पैट्रिक गिड्स को भी जानते हैं, तो इसमें प्रश्न है वो दो तीन बार प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे आ गया कि उद्भव का श्रेय किसको जाता है? पैट्रिक गिड्स को जाता है। अगर हम इसमें अगर इमाइल दुर्खिम सॉरी जीएस घुरिए नहीं होता तब पैट्रिक्स करना आपको, अगर पैट्रिक्स ना हो जीएस घुरिए दिया हो तो जीएस घुरिए देना है। अगर प्रश्न आ जाए कि प्रथम भारतीय समाजशास्त्री जिन्होंने समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया तो जीएस घुरिए, और अगर आ जाए कि भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है तो दोनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। अगर दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो वो आपका डिलीट हो जाएगा प्रश्न, और अगर उद्भव की बात आ जाए तो पैट्रिक गिड्स को करना है। किसने कहा कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत प्राचीन है? अतीत बहुत प्राचीन है लेकिन इतिहास नवीन है। थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लगता है कि समाजशास्त्र का अतीत बहुत प्राचीन है। वो कह रहे हैं कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु रही है वो तो बहुत अतीत है, हजारों सालों पहले भी थी, लेकिन इतिहास है वो नवीन है। इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है? इतिहास का मतलब लिखित। तो समाजशास्त्र को इतिहास की बात करें तो 1838 से प्रारंभ होता है। तो ये किसने कहा? ये बीरस्टीड ने कहा। किसने कहा? बीरस्टीड ने कहा। बॉटम और मत कर देना, क्योंकि ये दो तीन कथन ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो रिपब्लिक पुस्तक थी वो प्लेटो ने लिखी, पॉलिटिक्स है वो अरस्तु ने लिखी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखी, यूटोपिया है वो मोंटेस्क्यू ने नहीं लिखी। आगे है कि समाजशास्त्र में सामाजिक भौतिकी का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो काम्टे ने किया था। पहली बार आएगा तब कुछ और हो जाएगा, तो ऑप्शन में यही है तो काम्टे सही आएगा। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के रचनाकार कौन से हैं? जीएस घुरिए, ये इनकी बार बार प्रकाशित हुई थी। तो पहला पुस्तक थी कास्ट एंड क्लास, फिर कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन, इस प्रकार से इनकी तीन चार पुस्तकें हैं, ये इनके शोध का विषय था। आगे है समाजशास्त्र शब्दावली का प्रयोग करते हुए प्रथम पुस्तक किसने लिखी? तो प्रथम पुस्तक लिखी थी स्पेंसर ने 1877 में, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। जीएस घुरिए को किस परिप्रेक्ष्य का जनक माना जाता है? तो जीएस घुरिए को भारत विद्याशास्त्र
का जनक माना जाता है। भारत विद्या शास्त्र क्या है कि भारतीय समाज है उसका अध्ययन भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनके आधार पर किया जाए, तो इसको बुक व्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बुक व्यू, यानी किताब के आधार पर अध्ययन करना। भारत में समाजशास्त्र का विकास किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ होता है? तो बंबई विश्वविद्यालय से प्रारंभ होता है 1914 में। किसने कहा कि समाजशास्त्र आधुनिक विज्ञान है जो कि एक शताब्दी से अधिक प्राचीन नहीं है? बोटोमोर। पहले कथन पढ़ा और ये कथन पढ़ा लगभग एक जैसे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अंतर है कि ये एक शताब्दी आ गया। क्या आ गया? एक शताब्दी। तो ये कथन हो जाएगा बोटोमोर का। आगे है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? तो ये अरस्तु ने कहा। लेस्टर वार्ड ने किस देश में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया? तो येल विश्वविद्यालय में, अमेरिका के अंदर। अगस्त कामटे की मृत्यु कब हुई? इनका जीवन का अंत कब हुआ था? 1857 में। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम बताइए, तो जन्म और मृत्यु और देश का नाम आपको पता होना चाहिए। आगे है, इंग्लैंड में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? जे एस मील को जाता है। किसको जाता है? जे एस मील को जाता है। निम्नलिखित में समाजशास्त्र के अध्यापन को क्रम वाइज लिखना है, तो नंबर एक आएगा अमेरिका के अंदर, नंबर दो फ्रांस, नंबर तीन इंग्लैंड, नंबर चार भारत। ये क्रम ही मैंने दे रखा है, इसी क्रम में है वो अध्यापन समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ था। औपचारिक संप्रदाय के नाम से किसका नाम संबंधित है? औपचारिक संप्रदाय, तो बीएसटीड फॉर्मल स्कूल। समाजशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया हुआ है? तो लेटिन और ग्रीक भाषा दोनों से लिया गया है। समाजशास्त्र का जन्म किस यूरोपीय देश में हुआ? तो फ्रांस में हुआ। भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? तो जी एस घुरिए। कौन है? जी एस घुरिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैक्स वेबर जर्मनी का था, कॉम्टे फ्रांस के थे, स्पेंसर इंग्लैंड के थे, शेरोकिन अमेरिका के नहीं थे, किसके थे? रूस के थे। किसके थे? रूस के समाजशास्त्री थे। समाजशास्त्र के उद्भव में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो बौद्धिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, तीनों का ही योगदान रहा है। अगर कोई चौथा आएगा तो वो गलत होगा। पुणे विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो पुणे विश्वविद्यालय में 1930 के अंदर इरावती कर्वे ने, किसने? इरावती कर्वे ने समाजशास्त्र का अध्यापन वो प्रारंभ करवाया था। प्रारंभ में समाजशास्त्र का अध्यापन है भारत के अंदर किस विषय के साथ शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र के साथ, दोनों एक साथ पढ़ाया जाता था, अलग से डिपार्टमेंट नहीं था। एम एन श्रीनिवास ने भारत में समाजशास्त्र के विकास के चार चरण बताए थे, उनमें से द्वितीय काल, दूसरा काल कब माना? तो दूसरा काल मानना है 1901 से लेकर 1950 तक। आगे है, समाजशास्त्र के प्रथम विभागाध्यक्ष बम्बई विश्वविद्यालय में जी एस घुरिए हुए थे। कब हुए थे? 1924 में। यहाँ एक जगह और भी ऑप्शन आपको मिलेगा 1932, लेकिन 1924 है वो सही है। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, समाजशास्त्र एक दर्शन नहीं है, समाजशास्त्र एक मानविकी का विषय तो है, लेकिन अगर इसकी सही परिभाषा देंगे तो समाज विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। ये प्रश्न वो हैं जो पहले विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और जब आप में एक प्रश्न करता हूं तो उसके साथ दो तीन प्रश्न आपके साथ और हल होने चाहिए। भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक पैट्रिक गिड्स मुख्य रूप से किस प्रकार के समाजशास्त्री थे? उनका अध्ययन क्षेत्र क्या था? तो उनका अध्ययन क्षेत्र था नगरीय समुदाय, नगरों पर उन्होंने विशेष अध्ययन किए थे। पॉजिटिव फिलोसफी पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित है? 6 खंडों में प्रकाशित है। सोशियोलॉजी शब्द है, उसका फ्रांसीसी मूल शब्द क्या है? तो ये आप है वो अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, सोशियोलॉजी ही है, लेकिन स्पेलिंग आपको इसकी याद करनी पड़ेगी। किसने कहा कि समाजशास्त्र है वो दो भाषाओं की अवैध संतान है? तो जे एस मील ने कहा था, और इसके स्थान पर इन्होंने क्या कहा था कि समाजशास्त्र के शब्द स्थान पर हमें किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए? इथोलॉजी। किसका करना चाहिए? इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उनका ये सुझाव है वो
स्वीकार नहीं किया गया था। आगे है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो जी एस गुरिये इसके संस्थापक सदस्य थे, 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन माने जाते हैं, तो इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर माने जाते हैं। अगर भारतीय बात करें, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन है, तो जी एस गुरिये हैं। द सोशल ऑर्डर पुस्तक के रचनाकार है कौन है, बीरस्टीड। कौन है, बीरस्टीड। देखो ये जो एक बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और ये किसी भी परीक्षा में आ सकती है, अगर सिलेबस में नहीं है तो भी इनडायरेक्ट रूप से ये प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। बोटोमोर ने समाजशास्त्र के विकास के कितने चरण बताए, चार चरण बताए। कितने चरण बताए, चार। पहले प्राचीन, फिर लगभग उन्होंने जो अपना भारत के समय की बात करें तो धार्मिक युग था, जो 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा बाद में, बाद में मध्यकाल आ गया और उस बाद में जो औपचारिक शुरुआत हुई थी वो काल आ जाता है। कॉम्टे के गुरु सेंट साइमन, तो जो समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी वो दो लोगों ने इसलिए विशेष प्रयास किया था, एक ऑगस्ट कॉम्टे ने और एक सेंट साइमन ने, और दोनों ही एक नया विषय बनाना चाहते थे। लेकिन 1922 में सेंट साइमन और ऑगस्ट कॉम्टे के बीच में कोई अनबन हो गई थी, दोनों अलग अलग हो गए थे, लेकिन पहले दोनों एक साथ ही ये नया विषय बनाना चाहते थे। तो साइमन ने नए समाज विज्ञान को किस नाम से विकसित करना चाहते थे, तो सोशल बायोलॉजी कहना चाहते थे सेंट साइमन। सामाजिक भौतिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अडोल्फ क्वेटलेट। जब एक वीडियो में मैंने कहा था ना कि पहले सामाजिक भौतिकी कहा था ऑगस्ट कॉम्टे ने, लेकिन बाद में क्या कहा, सोशियोलॉजी का, क्योंकि सामाजिक भौतिकी का शब्द का पहला प्रयोग था वो एडोल्फ क्वेटलेट ने किया था, तो वो एक मौलिक नाम देना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने बाद में इसका नाम है वो चेंज कर दिया। भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य प्रारंभ है, उसका सही क्रम बताना है तो नंबर एक बम्बई तो हो ही जाएगा, नंबर दो कलकत्ता विश्वविद्यालय 1917 के अंदर, फिर लखनऊ के अंदर 1921 के अंदर और दिल्ली के अंदर, तो बहुत बाद में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ था। आगे किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है, किसने कहा, ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा। किसने कहा, ऑगस्ट कॉम्टे ने। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अंकेल्स के द्वारा लिखी गई है। वर्स्टेहेन का अर्थ होता है समझ या व्याख्यात्मक बोध, ये किस भाषा का शब्द है, ये जर्मन भाषा का शब्द है। शाब्दिक रूप से समाजशास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोग्स, सोशियस प्लस लोग्स, हो सकता है ये अंग्रेजी में भी आ जाए। आगे है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी, ये परिभाषा दी गिडिंस ने, किसने दी, गिडिंस ने। वार्ड ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, इन्होंने वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग नहीं किया था, और जैसे वैज्ञानिक शब्द बीच में आ जाता है परिभाषा किसकी हो जाएगी, गिडेंस की हो जाएगी। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, तो सिमेल, ओडम, गेंसबर्ग इनका नहीं है, जॉनसन, फ्लेमिंग, बोगार्ड्स, ये समाज को सामाजिक समूहों का अध्ययन है वो मानते हैं। किसने कहा कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध समाजशास्त्र है, प्योर सोशियोलॉजी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, लेस्टर वार्ड ने की। किसने की, लेस्टर वार्ड ने की। समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान है, एक व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, ये किसका कहना है, ये बीरस्टीड का कहना है। समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, तो किसका आएगा, बीरस्टीड का आएगा। और समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ये किसका आएगा, ये वार्ड का आएगा। आप इनमें से जो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं, आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कीजिए और उनका बार बार रिवीजन कीजिए, जो समझ में आता है उसको समझ लीजिए और जो समझ में नहीं आता है उसको रट लीजिए, यही सफलता का सूत्र है। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधनों का विज्ञान है, तो इमाइल दुर्खिम ने। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कर सकते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र से जुड़े हुए सभी प्रकार के वीडियोज़ और क्लासें हैं वो इस चैनल पे होती है। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं, क्लासें पसंद आती है, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। किसने कहा कि समाजशास्त्रीय परिकल्पना एक समाजशास्त्र का आवश्यक आधार है? तो सी राइट मिल्स। किसने कहा? सी राइट मिल्स ने समाजशास्त्र को एक शिल्प कहा और समाजशास्त्रीय परिकल्पना को, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को, इसका आवश्यक आधार माना। किसने कहा कि समाजशास्त्र एक तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है? तो विलफ्रेड प्रेटो। तो ये तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है और इसको कई बार अतार्किक भी वो बोल देते हैं, क्योंकि उन्होंने दो प्रकार की क्रियाएं बताई थी, तार्किक क्रियाएं और अतार्किक क्रियाएं। वैसे तो चार बताई थी लेकिन दो ये महत्वपूर्ण थी। इंकल्स ने जो हम बात कर रहे थे अभी, मैंने एक प्रश्न लिया था कि ये पुस्तक थी व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक है वो इंकल्स की है। इन्होंने इस पुस्तक में समाजशास्त्रीय परिभाषाओं को कुल तीन भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? इसके तीन आयाम बताए थे, तीन उपागम बताए थे। कौन कौन से उपागम बताए थे? ऐतिहासिक उपागम, विश्लेषणात्मक और अनुभाविक उपागम, लेकिन उन्होंने वर्णात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया। तो ये तीन उपागम हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तीन उन्होंने आयाम बताए थे समाजशास्त्र की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और अनुभाविक। आगे है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण बोध कराता है, समझ कराता है। वर्स्टन की अवधारणा यहाँ पर लागू होती है, जर्मन भाषा का शब्द है, तो मैक्स वेबर ने ये दिया था। किसने कहा कि संपूर्ण मनुष्य समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? संपूर्ण मनुष्य, तो ये मनुष्य समाज, सॉरी, संपूर्ण मनुष्य समाज, अंग्रेजी में इसमें क्या बोलेंगे, ह्यूमन सोसाइटी। ये पुस्तक इनकी है, किंग्सले डेविस की है, और परिभाषा में ये मनुष्य समाज को जरूर शामिल करते हैं। आगे है, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और उनके अंतः संबंधों, दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ये सेरोकिन का है। किसने समाजशास्त्र को एक शिल्प कहा? तो हम चर्चा कर चुके हैं, सी राइट मिल्स ने कहा। किसने कहा? सी राइट मिल्स ने। किसने समाजशास्त्र के स्थान पे इथोलॉजी? तो जे एस मिल। ये देखो दो मिल अलग अलग हैं, सी राइट मिल्स और स्टुअर्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये दोनों अलग अलग हैं। ये इंग्लैंड के थे और ये शिकांगो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। किसने कहा कि समाजशास्त्र समूहों में मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है? तो अर्नोल्ड ने कहा था। किसने कहा? सॉरी, किम्बाल यंग ने कहा। किसने कहा? किम्बाल यंग ने कहा मानव के व्यवहारों का अध्ययन। ये प्रश्न था, मैंने टेस्ट सीरीज में दिए थे और ये अभी जो स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई थी उसमें ये प्रश्न है वो आया था। काफ़ी प्रश्न थे वो अभी जो स्कूल लेक्चरर वैकेंसी थी उसमें, लगभग 90% प्रश्न थे वो इन्हीं वीडियोस से आए थे। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये परिभाषा मैकेवर ने अपनी कौन सी पुस्तक में दी? तो सोसाइटी में दी। किस में दी? सोसाइटी में। उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है और इन सामाजिक संबंधों के अध्ययन को ही हम समाजशास्त्र कहते हैं। किस पुस्तक में दुर्खिम ने समाजशास्त्र या समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों की अवधारणा प्रस्तुत की? तो द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी है और कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसका मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है? तो फ्लेमिंग है, जॉनसन है और बोगार्ड्स है, वार्ड नहीं है। वार्ड समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं। द हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक है ओगबर्न। किसने दी? ओगबर्न ने दी। आगे है कल्चरल सोशियोलॉजी, कल्चरल सोशियोलॉजी सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक है वो किसने लिखी? गिलीन एवं गिलीन ने लिखी। किसने कहा कि समाजशास्त्र मनुष्यों के संबंधों से उत्पन्न अंतः क्रियाओं का अध्ययन है? गिलीन एवं गिलीन। किसने सामाजिक विरासत को समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल किया है?
तो रियूटर एवं हार्ट ने, किसने? रियूटर एवं हार्ट ने। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में विभाजित किया? तीन भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? तीन भागों में विभाजित किया। तीन भाग कौन कौन से थे वो अभी आएगा, चार में नहीं किया है। आगे है, दुर्खिम ने सामाजिक विषय वस्तु के रूप में शामिल नहीं किया है। तीन भाग कौन कौन से थे? नंबर एक सामान्य समाजशास्त्र, नंबर दो सामाजिक आकृतिक विज्ञान, या इसको बोल देते हैं संरचना विज्ञान भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक संरचना अलग है, तो सामाजिक समाजशास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र नंबर एक, नंबर दो सामाजिक संरचना, और सामाजिक आकृतिक विज्ञान या प्रारूप इसको बोलते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को विशुद्ध विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान में विभाजित किया, या विशुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र के रूप में विभाजित किया है? तो लेस्टर वार्ड ने। कौन सा संप्रदाय मानता है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय। दो संप्रदाय प्रमुख रूप से, एक समन्वयात्मक संप्रदाय, दूसरा स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय कहता है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, और समन्वयात्मक संप्रदाय कहता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, सभी विज्ञानों की एक खिचड़ी है। आगे है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में विभाजित किया? तो अगस्त कॉम्टे ने। ये प्राचीन समाज होते हैं, इनमें समाज स्थिर होता है, सामाजिक गतिशीलता कम होती है, और सामाजिक गतिकी है वो आधुनिक समाजों की विशेषता है। कौन सा समूह है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? तो जॉर्ज सिमेल तो इसके प्रमुख है ही है, रोस और वानवीज भी इस संप्रदाय के प्रमुख है, सेरोकिन नहीं है इसके समर्थक। आगे है, कौन सा समूह समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक है? अब पहले स्वरूपात्मक था, अब संप्रदाय है वो समन्वयात्मक संप्रदाय है। तो समन्वयात्मक में गिन्सबर्ग इसके प्रवर्तक थे, सेरोकिन है, दुर्खिम है, वानवीज नहीं है। ये किसका है? ये स्वरूपात्मक है। तो ये दोनों विचारक, दोनों संप्रदाय के समर्थक और प्रतिपादक आपको याद करने पड़ेंगे। स्वरूपात्मक संप्रदाय जो कि समाजशास्त्र को स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानता है, विशिष्ट विज्ञान मानता है, जॉर्ज सिमेल इसके प्रमुख है, और समन्वयात्मक सभी सामाजिक विज्ञानों की खिचड़ी के तौर पर समाजशास्त्र को मानता है, और गिन्सबर्ग ने इसकी शुरुआत की थी, सेरोकिन दुर्खिम इसके प्रमुख समर्थक हैं। कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थियरी बुक्स किसके द्वारा लिखी है? सेरोकिन के द्वारा। किसका मानना है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। ये दो कथन हैं, एक पद्धति आता है, एकता की बात की जाती है, तो कार्ल प्रियंस है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, यानी वैज्ञानिक पद्धति है तो वो विज्ञान है, इसकी विषय वस्तु क्या है ये विशेष में तो नहीं होता है। तो ये कार्ल प्रियंस का शब्द है, एक जॉर्ज स्टुअर्ट चेंज ने भी कहा था, स्टुअर्ट चेंज ने भी इसी प्रकार का कथन कहा था। उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र या विज्ञान का संबंध है वो विषय वस्तु से नहीं है बल्कि अध्ययन पद्धति से है। ये स्टुअर्ट चेंज का कथन है कि समाजशास्त्र या सॉरी विज्ञान का संबंध विषय वस्तु से नहीं है बल्कि उसकी अध्ययन पद्धति से है। और एकता की बात करेंगे तो कार्ल प्रियंस हो जाएगा। किसने कहा कि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों और अंतर्वस्तु को पृथक नहीं किया जा सकता? सेरोकिन, क्योंकि ये कहता है कि समाजशास्त्र की अंतःक्रिया इसके स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। तो ऐसा किसका मानना है? ऐसा समन्वयात्मक संप्रदाय का मानना है। और जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो क्या कहता है कि दोनों अलग अलग हैं। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। क्या है? एक वास्तविक विज्ञान है। सामाजिक जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन दुर्खिम द्वारा किया गया था, तो उन्होंने समाजशास्त्र के जो तीन भाग बताए थे, तो भौगोलिक पर्यावरण के अध्ययन को किसमें शामिल करते हैं? वो सामाजिक
स्वरूप शास्त्र में करते हैं। किस में करते हैं? सामाजिक स्वरूप शास्त्र में करते हैं। किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण में अन प्लस सूत्र दिया? तो सेरोकिन ने दिया। किसने दिया? सेरोकिन ने। थोड़ा सा अलग है ये, एक वीडियो जो बना हुआ है उसमें है समाजशास्त्र की विषय वस्तु, तो उसमें आपको ये डिटेल से मिल जाएगा कि अन प्लस सूत्र क्या है। लास्ट प्रश्न है कि समाजशास्त्र के जनक का पूरा नाम क्या है? तो अगस्त कामटे का पूरा नाम आपको यहाँ पे याद करना होगा, क्योंकि ये परीक्षा में है वो पूछा जा सकता है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन फिर भी याद तो करना ही होगा। तो ये आज की क्लास थी, तो इसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल किया। आगे हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की क्लास लेके आएंगे। प्रत्येक क्लास में 100 प्रश्न होंगे और इस प्रकार की लगभग 10 क्लासें होगी और प्रत्येक में 100 प्रश्न होंगे, तो लगभग हम आगामी 10 दिनों में 1000 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।